स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। अगर आप एक श्रमिक हैं, श्रमिक कार्ड बना है या एक दैनिक मजदूर हैं और राशन कार्ड है तो फ्री राशन और प्रति माह 1,000 रुपए यूपी सरकार दे रही है, जिसकी डिटेल आपको बताने वाले हैं। 1,000 रुपए और फ्री राशन लगभग 35 किलो आपको जून की 1 तारीख से मिलने वाली है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नियम है जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है, जिसे जानकर आप तुरंत लाभ ले पाएंगे। इस छोटे से वीडियो में आपको फ्री राशन, प्रतिमाह 1,000 रुपए, कैसे, कितना और कब मिलने वाला है सब कुछ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप पत्रिका.com पर जब आते हैं तो आपको एक जानकारी मिलती है, इसको आपको हम पढ़कर बता देते हैं। फुटकर दुकानदारों को, रेडी पटरी वालों को 1,000 रुपए प्रतिमाह भत्ता देगी योगी सरकार, मुफ्त राशन भी मिलेगा। तो 1,000 रुपए प्रतिमाह देने की बात आई है सामने। आप बता दें, यूपी कैबिनेट का डिसीजन है, रेडी फुटकर और पटरी दुकानदारों को लेकर योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। फुटकर दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए भत्ते का भी ऐलान किया गया है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान इन सभी को 1,000 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा। प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा यानी जून से स्टार्टिंग है और अगस्त तक फ्री राशन है, तो इस हिसाब से अगस्त तक अगर ये प्रतिमाह भत्ता मिलता है तो 3,000 रुपए आपको मिलेगा। भत्ता उन्हीं फुटकर दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों को दिया जाएगा जो नगर निगम में रजिस्टर्ड होंगे। इन सबको 3 महीने मुफ्त राशन भी मिलेगा। शनिवार शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों संग वर्चुअल कैबिनेट की बैठक की थी, जिसमें इस प्रस्ताव का मुहर लग गई है। आप बता दें, आप एक दैनिक मजदूर हैं, जैसे रेहड़ी पटरी वाले हैं, फल सब्जी की दुकान है, मोची है, हलवाई है, नाविक है या नाई है, आप इन सभी लोगों को योगी सरकार 1,000 रुपए दे रही है। तो आपको सिर्फ रजिस्टर कराना है, अपने नजदीकी जबरदस्त से मिलना है, उसको अपना आधार कार्ड, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और उसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम, ये सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी है। उसके बाद सभासद नगर निकाय या नगर पालिका में जमा करेगा, फिर आपके पास कॉल आएगी और आपसे पूछा जाएगा आप क्या व्यवसाय करते हैं, और उस हिसाब से आपको 1,000 रुपए आपके अकाउंट में DBT के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन है। बाजार बंद होने से फुटकर दुकानदार, रेहड़ी पटरी वाले बेरोजगार हो गए हैं। कोरोना कर्फ्यू में इनको आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसके लिए यूपी सरकार ने यानी यूपी कैबिनेट ने भत्ते दिए जाने का अहम फैसला लिया है। इम्पोर्टेंट जानकारी है, आपको 3,000 रुपए मिल सकता है जून से अगस्त तक, प्रति माह 1,000 रुपए। तो कैसे मिलेगा आपको मैंने बताया है। अगर आप अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्टर्ड हो जाएं, तो आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं सभासद के द्वारा, नगर निकाय, नगर निगम के द्वारा, तो एक बड़ी आसानी से आपको 1,000 रुपए मिल सकता है। बस आपको सिर्फ अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड, आधार और अकाउंट होल्डर का नाम देना है और आप क्या व्यवसाय करते हैं वो भी बताना है। इसके साथ ही दोस्तों, TV9 भारतवर्ष को आप अच्छे से जानते होंगे, वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, इसमें लिखा है राशन कार्ड के बिना भी फ्री में मिलेगा अनाज, सरकार ने दी है लोगों को राहत, जानिए कैसे लेंगे लाभ। यानी अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है फिर भी आप चिंता ना करें, आपको राशन मिलेगा, वो भी फ्री मिलेगा। कोरोना काल में गरीबों को खाने पीने की समस्या ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई और जून में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन देने का ऐलान किया है। यानी मई जून में जिसको राशन मिल रहा है वो आप बता दें राशन कार्ड के द्वारा ही मिल रहा है, यानी जिसके पास राशन कार्ड है। इसी के तर्ज पर अब दिल्ली और यूपी सरकार ने एक और घोषणा की है, यानी दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल, यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ, इन लोगों ने भी एक ऐलान किया, एक घोषणा की है, जिसके तहत बिना राशन कार्ड के भी लोग फ्री अनाज का लाभ ले सकते हैं। यानी अगर आप दिल्ली और यूपी के हैं तो आपको फ्री राशन मिलेगा, लेकिन बिना राशन कार्ड के भी मिल जाएगा, और ये घोषणा यूपी सरकार और दिल्ली सरकार ने किया है। इसके लिए सिर्फ आपको राशन केंद्र विक्रेता से संपर्क करना होगा, यानी आप जहाँ पर जाते हैं जो आपका नजदीकी कोटेदार है सिर्फ आपको उससे संपर्क करना है, आपको फ्री राशन देगा। यूपी की योगी सरकार ने भी राज्य के जरूरतमंद लोगों को फ्री में अनाज बांटे जाने की घोषणा की है। इस बारे में मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने बताया कि राशन कार्ड नहीं बने हैं तो उनके अभियान चलाकर राशन कार्ड बनाकर तत्काल राशन दिया जाएगा। तो एक अभियान भी चल रहा है राशन कार्ड बनाने का, पहले बहुत सारे प्रोसेस करने के बाद भी नहीं बनता था, समस्याएं आती थी, तो अब आप जाकर बड़ी ही आसानी से जो कैंप चल रहा है राशन कार्ड बनाने का, वहां पे राशन कार्ड बनवाइए और फ्री राशन का लाभ लीजिए। इसी प्रकार से मैंने बताया 35 किलो राशन मिलेगा, अगर आप यूपी के हैं, आपके राशन कार्ड में 6 या 7 लोग हैं तो आपको लगभग 35 किलो राशन मिलेगा, क्योंकि एक व्यक्ति को 5 किलो मिल रहा है तो 7 यानी 6 या 7 लोगों को 30 से 35 किलो राशन मिलेगा। अभी कल ही परसों में एक न्यूज़ आई थी जिसमें बताया गया था लखनऊ में 34 या 33 किलो राशन दे रहा है, राशन देने में कटौती कर रहा है, ऐसे में बहुत सा विवाद हुआ था, मैंने इसका वीडियो भी अपलोड किया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो मैंने बताया है कि अगर आपको राशन मिल रहा है तो आप अपने हक का पूरा राशन लीजिए, 7 लोग हैं तो 7 लोगों का 5 किलो के हिसाब से 35 किलो राशन लीजिए, उसमें कोई भी कटौती मत करवाइए। अब आपको बता दें बिना राशन कार्ड के कौन ले सकता है अनाज, सरकार के मुताबिक जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं वे लोग बिना राशन कार्ड के भी फ्री में अनाज ले सकते हैं।
इसके लिए उन्हें नजदीकी राशन केंद्र पर जाना होगा, वहां अपना नाम दर्ज कराना होगा। अगर वे पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। तो अपने उत्तर प्रदेश में अधिकांश लोग गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो क्राइटेरिया सरकार का बनाया गया है उसके दायरे में आते हैं, तो इस वजह से उनका राशन कार्ड बन जाएगा और फ्री राशन वो प्राप्त कर लेंगे। राशन कार्ड कैसे बनवाएं, इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन का दोनों आवेदन किया जा सकता है। nfsa.gov.in के पोर्टल पर जाकर सिर्फ आपको अप्लाई करना है। इसके लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो देनी होगी, लेकिन दिल्ली सरकार आय प्रमाण पत्र या फिर किसी प्रकार के गरीबी का प्रमाण पत्र नहीं मांग रही, वो ई कूपन के जरिए फ्री राशन दे रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, कोई डाउट हो तो वो भी बताइएगा, जिससे आपके डाउट को क्लियर किया जा सके। और आपको अभी तक फ्री राशन मिला या नहीं, 1000 रुपये मिला या नहीं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप किस क्षेत्र से आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं, किस गाँव से हैं, आप हमें बताएं, जिससे आपके यहाँ की जानकारी दी जा सके। धन्यवाद।